बीती शाम संजय गांधी अस्पताल के पीछे रेफ्यूजी कॉलोनी की तरफ नवजात बच्चे के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अमैया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, जांच की प्रारंभ। संजय गांधी अस्पताल के प्रसूता वार्ड के पीछे नवजात बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रीवा का संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया। इस बार चर्चा है नवजात के शव को लेकर। बीती शाम संजय गांधी अस्पताल के पीछे के हिस्से में जिस इलाके में महिला वार्ड है, इसी इलाके में नवजात बच्चे को रखा जाता है। यहीं पर नवजात बच्चे जन्म लेते हैं। ऐसे में इस इलाके के पिछवाड़े में नवजात बच्चे का मिलना तमाम तरीके के सवालों को जन्म देता है। अस्पताल के पीछे के हिस्से को रिफ्यूजी कॉलोनी का इलाका बोला जाता है। इसी इलाके में कल शाम को बच्चे खेल रहे थे, उसी दौरान किसी बच्चे की नज़र इस नवजात पर पड़ी। बच्चा डर गया, तत्काल ही इस बात की जानकारी परिजन को दी। जैसे ही यह खबर इलाके में फैली, देखने वालों का मजमा लग गया। इस बात की जानकारी अमहिया थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, उसने बच्चे को अपने कब्जे में लेकर जांच प्रारंभ कर दी। अस्पताल के प्रसूता विभाग के पास बच्चे का मिलना तमाम सवालों को जन्म दे रहा। अब जिसे पुलिस को खोजना पड़ेगा। हालांकि बच्चे के मिलने को लेकर आसपास के इलाके में अफवाह का माहौल गर्म रहा, जिसको देखो अपने ही अंदाज में बच्चे के मिलने की व्याख्या कर रहा था। लेकिन इतना तो तय है, इस इलाके में नवजात बच्चे के शव का मिलना से इलाके में सनसनी फैल गई। यह कोई नई बात नहीं है, जब संजय गांधी अस्पताल में इस तरीके के मामले देखने में नजर आए। पूरे मामले को लेकर हमने एक मोहल्लेवासी से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने हमें क्या कुछ बताया। क्या नाम है आपका? कमलेश कुशवाहा। कहाँ रहते हैं? बस यही रिफ्यूजी कॉलोनी में, पीछे साथ, पीछे साथ। क्या क्या मामला है? बच्चा मिला है, बच्चे लोग देखे थे, खेल लेते यहाँ पे, तो मिला बच्चे लोग देखे तो कुत्ता घसीटा हुआ उसको, तो आके हमको। हाँ, बच्चे नवजात था, नवजात था। तो बच्चा कैसा था, जिंदा था कि मृत था? मृत था। जब कुत्ता घसीटा था तो उसकी स्थिति कैसी थी, जिंदा था कि मरा था? वो मर गया था, बहुत पहले का मरा हुआ था। घटना है ये, तो अभी हम लोग 5:30 बजे आस पास देखे इसको। सूचना कब दी आपने पुलिस को? वही तुरंत दे दिए थे, आधे घंटे बाद पुलिस भी आ गई थी। क्या लगता है कि बच्चे कहाँ का है? अब ये तो सर नहीं बता सकते, भाई तो हॉस्पिटल के पीछे साइड है, तो हम नहीं बता सकते कि कहाँ का है। ये पहली बार देखा गया? जी जी, जी पहली बार। ये अक्सर देखा जाता रहता है? नहीं नहीं, ये सब पहली बार हुआ अभी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।